कलर पेंसिल का यूज़ करके हम किस तरीके से हाइपर रियलिस्टिक और रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फेस्टून के लिए कौन कौन से कलर मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, तो इस कलर का यूज़ करके मैं यहाँ पर फेस में शेडिंग करने वाला हूँ, जिसमें लाइट टोन के लिए मैं यहाँ पर वाइट और क्रीम कलर का यूज़ करूँगा, और जहाँ पर ब्राउन और डार्क एरिया है, जहाँ पर डार्क वैल्यू है, तो वहाँ पर मैं ब्राउन और उससे रिलेटेड जो कलर है वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। और पेपर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आइवरी का, जिस पर हम आसानी से स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं हमेशा आई से ही ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ अपनी, तो यहाँ पर मैंने आई से ड्राइंग स्टार्ट कर दी है, और इसमें भी मैं लेयर वाइज ही शेडिंग कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं हल्के हाथ से ही सिर्फ स्ट्रोक ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके ऊपर फिर दूसरा कलर ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि आप रेफरेंस में देख सकते कि जो आइस का जो कलर है वो थोड़ा बहुत ब्राउन कलर का है, तो इसमें मैं ब्राउन कलर ऊपर से ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ी आइस जो होती है वो ब्राउन कलर में चाहिए, तो उसी वजह से मैं यहाँ पर आइस को उसी तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर शेडिंग की बात करते हैं तो मैं हमेशा ही लेयर वाइज शेडिंग करता हूँ। पहले हल्के हाथ से कोई भी कलर हो, यहाँ पर जैसे कि ब्राउन कलर का जो हमें शेडिंग चाहिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्राउन कलर का फर्स्ट लेयर ऐड करता हूँ, जो कि एकदम ही हल्के हाथ से ही शेडिंग करता हूँ, और उसके ऊपर मैं फिर दूसरा कलर से ब्लेंड करके उसके ऊपर फिर ऐसे ही मैं लेयर वाइज शेडिंग करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको लेयर वाइज शेडिंग करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और कभी भी कलर पेंसिल में कभी भी पहले ही डिटेलिंग स्टार्ट मत कर देना, शुरू से ही डिटेलिंग मत शुरू करना, पहले लेयर वाइज शेडिंग करें और फिर उसके ऊपर डिटेलिंग स्टार्ट करें। और डिटेलिंग के ऊपर भी आपको लेयर ऐड करना होगा, क्योंकि अगर आप डिटेलिंग के ऊपर ऐड नहीं करोगे तो वो कुछ ज़्यादा ही डार्क दिखता है। तो इसी वजह से मैं अपने स्केच में पहले लेयर वाइज शेडिंग करता हूँ और फिर उसके ऊपर डिटेल ऐड करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो डॉट दिख रहा है, तो वो मैं यहाँ पर शेडिंग के बाद ऐड कर रहा हूँ, और फिर उसके ऊपर भी वाइट कलर का जो शेड है मैं वो भी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क वो डॉट दिखेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखेगा। तो उसी वजह से मैं अपने स्केच में लेयर वाइज शेडिंग के साथ फिर ऐसे ड्रॉ करता हूँ। और जब बात करते हैं कि किस तरीके से शेडिंग करनी चाहिए, तो हमेशा स्ट्रोक बिल्कुल भी स्ट्रोक मत लगाए, सिर्फ शेडिंग हल्के हाथ से ही करें, और फिर उसे ब्लेंड करने के लिए आप कोई दूसरा कलर यूज़ करें, एक ही कलर से ब्लेंड मत करना। यहाँ पर जैसे कि ब्राउन कलर का जो शेडिंग है, तो मैं ब्राउन कलर से वो ब्लेंड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर हमेशा वाइट कलर का यूज़ करता हूँ ब्लेंड करने के लिए। वाइट जो कलर है डॉम्स का, वो पर अगर आप यूज़ करोगे तो वो बिल्कुल भी वाइट नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत स्किन टोन का कलर ही होगा, तो आप वाइट कलर को भी एज अ स्किन टोन आप यूज़ कर सकते हैं। हमेशा शेडिंग में एक बात याद रखें, अपने जो रेफरेंस पिक है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करें। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल जितनी अच्छी होगी, आपका रिजल्ट ड्राइंग का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर डार्क वैल्यू जो जहाँ पर भी है, यहाँ पर मैं चिक्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर डार्क वैल्यू जितनी भी है मैं उसे ऑब्जर्व करके उस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ, और वो भी लेयर वाइज, जिससे वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है। और जहाँ पर वाइट कलर की जो शेडिंग मुझे करनी है, वहाँ पर मैं वाइट कलर और क्रीम कलर वो दोनों कलर मिक्स करके मैं उसे अच्छी तरीके से शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोगों को डिटेलिंग में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होती है, क्योंकि वो स्ट्रोक इतना ज़्यादा वो डार्क करते हैं कि जिससे उनकी स्केच जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखती है। हमारे स्केच में जो यहाँ पर इंजरी दिख रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और वो भी बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं, एकदम ही हल्के हाथ से ही शेडिंग करके उसके ऊपर भी मैं फेस का कलर जो है उसके ऊपर भी मैं वाइट कलर का यूज़ करता हूँ, ताकि वो रियल दिखे, ना कि एकदम ही रेड दिखे, पर वो थोड़ा बहुत फेस टोन से भी मैच हो पाए। तो यहाँ पर हमेशा अपनी पेंसिल जो होती है वो हमेशा शार्प यूज़ करें, और डिटेलिंग में तो खास
अपनी पेंसिल को बार बार शार्प करके और फिर शार्प पॉइंट से ही हमेशा डिटेलिंग करें। अगर आप बिना शार्प की हुई पेंसिल से अगर डिटेलिंग करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखेगा। तो इसी वजह से हमेशा शार्प पेंसिल का ही यूज़, शेडिंग के समय में भी आप अगर आप शार्प पेंसिल का यूज़ करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक शेडिंग आप कर पाओगे। तो इसी वजह से हमेशा शार्प पेंसिल ही यूज़ करें। अगर आपको कोई मुश्किल या शेडिंग के बारे में तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, और अगर चैनल पर न हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं।